बीते दिनों असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गुजरात में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि आपकी शक्ल चेंज हुई कोई बुरा नहीं है, लेकिन आपको चेहरा चेंज ही करना था तो थोड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा ही कर लो, या तो जवाहरलाल नेहरू जैसा कर लो, वो भी चलेगा। महात्मा गांधी जैसा होने से और भी अच्छा है, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होता जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का जो कल्चर है वो भारतीय संस्कृति के नजदीक नहीं है, बल्कि उनसे मेल खाती है, जिन्होंने अभी तक भारत को समझा ही नहीं। चेंज हुआ है कोई बुरी नहीं है, लेकिन आपको चेहरा चेंज ही करना है तो थोड़ा वल्लभ भाई पटेल जैसा कर लो, या तो नहीं तो जवाहरलाल नेहरू जैसा कर लो, वो भी चलेगा। गांधी जी जैसा होने से तो और अच्छा है, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होते जा रहा है? तो ये बात मैंने उनको पूछा। इसलिए आपने देखा होगा कि कांग्रेस का सारे जो कल्चर है वो सारे कल्चर हमारे नजदीक नहीं है, भारतीय लोगों का नजदीक नहीं है। ये सारे जो संस्कृति वो ओल्ड का करीब है, जो भारत को कभी अभी तक समझा नहीं है। कांग्रेस का जो राहुल गांधी जी है, आज का लोग गुजरात में दिखाई भी नहीं देता है। आज जैसे एक अतिथि के रूप में आया है, हिमाचल में चुनाव हो गया, वहां में भी वो नहीं गया था। जो जो प्रदेश में चुनाव नहीं है उधर ही राहुल जी जाता है, जहां चुनाव है वो नहीं आते हैं। किसलिए? उनको हारने से डर है। वो जानते हैं कि मैं जहां जाऊंगा वहीं मैं हार जाऊंगा, मेरा जीतने का कोई उम्मीद नहीं। वहीं अब कांग्रेस पार्टी असम के सीएम शर्मा के इस बयान पर भड़क गई और कांग्रेस नेता अलका लांबा ने हिमंत शर्मा के बयान पर पलटवार किया है। लेकिन हिमंता शर्मा को जवाब देने के चक्कर में अलका लांबा बेतुकी बयानबाजी कर बैठी। दरअसल कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि अच्छा हुआ कि राहुल गांधी ने अपने कुत्ते को ज्यादा महत्व दिया। नमस्ते करो, होल्ड करो, नो स्टे, होल्ड करो, स्टे, गुड बॉय। अब इस बयान को लेकर अलका लांबा विवादों में आई हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता रहे हिमंता शर्मा आला हाईकमान से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी थी, जिसके बाद वो भाजपा में शामिल हो गए थे। इतना ही नहीं, कई मर्तबा वो ये भी कह चुके हैं कि राहुल गांधी के घर कोई जाता है तो वो उससे ज्यादा अपने कुत्ते को महत्व देते हैं। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का लुक काफी बदला हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी लंबी दाढ़ी रखे हुए नजर आ रहे हैं। वैसे राहुल गांधी अधिकांश क्लीन शेव रखते हैं, लेकिन उनकी इस दाढ़ी को लेकर हिमंता शर्मा ने हमला किया है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।